जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन गवर्नमेंट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे और हमारे फेसबुक और हमारी एप्लीकेशन पे भी आपका स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का। मैं लेकर आया हूँ एसएससी की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एसएससी जीडी का सामान्य विज्ञान। तो आज की क्लास सामान्य विज्ञान की शुरू करता हूँ। तो पहले सवाल से स्टार्ट करूंगा, क्या कहता है, हाल ही में किस को कर्नाटक राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में जो है नामित किया गया है, यानी कि कर्नाटक के जो है मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा रजनीश गोयल को। रजनीश गोयल को जो है कर्नाटक के मुख्य सचिव जो है हाल ही में जो है वो बनाया गया है। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। मध्य प्रदेश का जो है नया मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। मोहन यादव को जो है मध्य प्रदेश का जो है वो मुख्यमंत्री चुना गया है, चीफ मिनिस्टर। अगला है विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा जो है बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का रहेगा। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है। बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल है ये, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है। तो करेक्ट आंसर रहेगा विष्णुदेव राय साय। विष्णुदेव साय को जो है छत्तीसगढ़ का जो है नया मुख्यमंत्री चुना गया है। ये हाल ही में चुनाव हुए हैं, उन चुनावों से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ये माने जा रहे हैं। अब मैं बताता हूं छत्तीसगढ़ के ये जो चुने गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, ये बीजेपी के जो हैं, ये बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं विष्णुदेव साय, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री होंगे अब, यानी कि छत्तीसगढ़ के। और विष्णुदेव साय जो हैं छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी, जैसे हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं आदिवासी जाति से आते हैं राष्ट्रपति, तो उसी प्रकार से ये भी वहां से बिलोंग करते हैं विष्णुदेव। 2020 से 22 तक के बीच में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो हैं वो अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वे नरेंद्र मोदी की के पहले कार्यकाल के केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा नरेंद्र मोदी के जो हैं इस्पात राज्य मंत्री भी थे और वे छत्तीसगढ़ की रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से जो हैं लोकसभा के क्षेत्र सदस्य भी थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा विष्णुदेव साय के बारे में, क्योंकि ये सबसे अलग क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसकी डिटेल में लेके आया। अगला है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एनवायरमेंट प्रमोशन एजेंसी, फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, का विश्व सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। कैसे, सुनिए, 21वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन वर्धन विभाग के तहत। अब तक सबसे बड़ा जो विश्व का निवेश सम्मेलन है वो किया जा रहा है, ये पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा ये पहली बार कब आयोजित हुआ, तो ये इसी साल आयोजित हुआ है और ये किया जा रहा है। करंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स
2023 में भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो आपको पता है यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है वो बदल रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस में भारत का कौन सा रैंक था? सातवें नंबर पर था। यानी कि जो भारत की जो वातावरण की जो स्थिति है वो सातवें नंबर पर जो है वो इंक्रीज हुई है। वैश्विक जलवायु वार्ता में COP28 के दौरान दुबई में जारी की गई है ये रिपोर्ट, उसमें भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में सातवें स्थान पर रहा है। पहले जो है ये आठवें स्थान था, अब सातवें स्थान पर आ गया है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री को किसे बनाया गया है, कौन शपथ ले रहे हैं? तो किसने ली है? लाल दुहोमा ने। किसने ली है? लाल दुहोमा ने। जोरम पुत्तुसु मूवमेंट के नेता हैं लाल दुहोमा ने। मिजोरम के सीएम के रूप में भी उन्होंने शपथ ली है और ये प्रदेश के छठे सीएम के रूप में शपथ ली है। ये छठे नंबर पर आए हैं जो इसके मुख्यमंत्री बने हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा अनुमुला रेवत रेड्डी। अनुमुला रेवत रेड्डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। तेलंगाना जो प्रदेश है ये कांग्रेस के अंदर आया है। तेलंगाना जो है वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। अनुमुला रेवत रेड्डी जो है राज्य की सीएम के रूप में शपथ ली है हाल ही में, और तेलंगाना राज्य का गठन के बाद जो है ये दूसरे सीएम जो है वो बनी है कि, और इससे पहले जो थे वो के चंद्रशेखर राज्य के जो है वो सीएम थे। तो पहले सीएम कौन थे तेलंगाना के? तो वो थे के चंद्रशेखर। अब दूसरे जो हैं अनुमुला रेवत जो रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना के जो हैं कांग्रेस की तरफ से जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चयनित हुए हैं। भीमसा भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भीमसा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो मैं आंध्र प्रदेश के आपको लोक नृत्य बताता हूं। देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, वीरा नाट्यम जो है वो भी आंध्र प्रदेश का है, दप्पू बुट्टा बोमलू है, और इसी के साथ कोलटम भी है, कोलटम। अब नेक्स्ट आ जाता है नागा नृत्य भारत के किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको करंट अफेयर्स के साथ जो है जोड़ लीजिएगा, क्योंकि एसएससी में जो है डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनेगा। असम। तो नागा नृत्य कहाँ का है? तो नागा नृत्य है असम का। तो असम के मैं अब कुछ नृत्य लेकर आया हूं। बिहू असम का नृत्य है, नट पूजा है, झुमरा होप जानावा जनाई है, बिछुआ है, महारास है, और साथ में बागू रूम्पा है। नेक्स्ट आ गया सवाल है नंदी कुंड झील किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कर सकते हैं आप। नंदी कुंड जो है सोचिएगा, नंदी कुंड झील किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड के गढ़वाल के चौखंबा चोटी के ऊपर जो है ये स्थित है नंदी कुंड झील। बहुत ही अलग सवाल होते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलों को बताता हूं मैं, भीमताल झील है, अगला है हेमकुंड झील है, इसी प्रकार से है बादानी ताल झील है, डोडी ताल झील है, काग भूसड ताल झील है, और बसुकी ताल झील है। ये इसकी झीलें हैं जो कि उत्तराखंड की फेमस झीलें हैं, सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है तलवांग नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तलवांग नदी जो है भारत के
मिजोरम राज्य में बहती है। मैंने अभी पढ़ाया है कि मिजोरम के जो है नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो मैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताता हूं आपको, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, भिलंगना, काली, सरस्वती, गौरी, रामगंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, टोंस, बिराडी, न्यार, धौली गंगा नदियां जो हैं उत्तराखंड राज्य में ही बहती हैं। ये सारी उत्तराखंड की नदियां हैं प्रमुख। याद रखिएगा, गंगा घाघरा, सरयू, गंडक, फल्गु, बागमती, सोन, कोसी, कमला, महानंदा, बिहार राज्य की जो है वो प्रमुख नदियां हैं। याद रखिएगा, ये बिहार राज्य की प्रमुख नदियां हैं, ये उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। बहुत सारे सवालों में आते हैं ये क्वेश्चन। इसके आगे आता है, गंगा नदी का जो उद्गम है वो हिमानी से, इसकी लंबाई जो है वो 2525 है। हिमकुंड भी बोल सकते हैं, हिमकुंड किससे, हिम कुंड से निकलती है जो कि आपकी गंगोत्री के पास है, वहां से गंगा नदी का उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है वो लंबी नदी है, ये थोड़ी छोटी नदी है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, कहां से निकलती है, अमरकंटक, इसकी लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। इसी प्रकार से ताप्ती नदी की बात करते हैं, ये सतपुड़ा से निकलती है कि पहाड़ियों से, और इसकी लंबाई सिर्फ 724 किलोमीटर है। अगला है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थान है आपका कश्मीर के बैरीनाग के निकट से निकलती है। आगे है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो नेपाल में हिमालय से निकलती है, जिससे इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसी प्रकार से है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम से हुगली नदी निकलती है। याद रखिएगा, कौन निकलती है, हुगली नदी। इस नदी को बंगाल का अभिशाप और जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है, ये हुगली नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लोहित नदी। लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। खून की नदी किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है लोहित नदी, इसे कहा जाता है। इसके बाद आता है महानदी का उद्गम जो स्थान है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास है, जो कि सिहावा पहाड़ी से होकर निकलती है। इसकी लंबाई 1815 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, लूनी नदी जो कि साल्ट रिवर के नाम से भी जानी जाती है, ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और इसे साल्ट रिवर भी कहा जाता है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इनको नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है इसके, तो ये कहां पर है, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। यानी कि ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, उड़ीसा के कोणार्क को कहा जाता है, और सूर्य मंदिर भी कहां है, कोणार्क उड़ीसा। तो इसी प्रकार से ये प्रमुख मंदिरों से जुड़े हुए सवाल हैं हमारे, तो इन सवालों में लेकर आता हूं, हजारा राम मंदिर कहां पर है। हजारा राम मंदिर जो है वो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित है हजारा राम मंदिर। नेक्स्ट आता है शोर मंदिर कहां पर है। शोर मंदिर कहां पर है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। शोर मंदिर कहां पर स्थित है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। कामाख्या देवी का मंदिर कहां पे है, असम के गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट आता है दिलवाड़ा का जैनों का मंदिर है, ये माउंट आबू राजस्थान में है, और इस दिलवाड़ा मंदिर की जो है माउंट आबू है, और माउंट आबू को छोटा शिमला भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सोमनाथ मंदिर कहां पर है, तो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है सोमनाथ मंदिर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
महाबलेश्वर काली का मंदिर है जो कि आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है महाबलेश्वर काली का मंदिर है। इसी प्रकार से और भी मैं मंदिरों से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मंदिर जितने भी हैं। प्रेम मंदिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन के मथुरा में है। जब भी आप मथुरा जाएं तो जरूर जाएं, प्रेम मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। विधेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है विधेश्वर मंदिर। राज रानी मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौन सा है? राज रानी मंदिर। नैना देवी मंदिर कहाँ पर है? तो नैना देवी मंदिर मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो हिमाचल बताते हैं, पर नहीं, नैना देवी जो आएगा आपका मेन उत्तराखंड नैनीताल, उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है। छतरपुर और योग माया मंदिर, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर नैना देवी मंदिर जो है वो हिमाचल में भी है। उसके लिए मैं ये कहूंगा कि वो अगर हिमाचल का जीके चले तब, अगर आपको उत्तराखंड ऑप्शन आई है तो आप उत्तराखंड पर टिक लगाएं, नहीं तो फिर हिमाचल ढूंढे। नई दिल्ली के मेहरौली में जो है वो स्थित है छतरपुर और योग माया मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है दिल्ली का छतरपुर मंदिर। नेक्स्ट आता है बिरला परिवार का है ये बिरला मंदिर, जो कि दिल्ली के कर्नाट प्लेस में स्थित है बिरला मंदिर। बहुत ही मंदिरों से जुड़े हुए सवाल आते हैं पेपरों में, तो ये थे आज के सवाल जो कि मंदिरों से थे और करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल थे जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बने रहिएगा इसी चैनल पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।